हेलो वेलकम फ्रेंड। तो आज की ये पहली क्लास है। इस क्लास में हम लोग ये जानेंगे कि मोबाइल हार्डवेयर कोर्स का क्या सिस्टम है और हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से जो है स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से। यानी कि आपको अगर हार्डवेयर का कोर्स कर अगर आप करेंगे तो बिल्कुल स्टार्टिंग से पता होना चाहिए, बेसिक से नहीं कहते, बेसिक से हम लोग एडवांस की ओर जो है सीखते हैं। तो सिस्टम क्या है कि पहले हम लोग पहले पार्ट में बात करेंगे जो है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक की, ठीक है। और इसमें दो वर्ड आते हैं आपके सामने, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो आपको पता है कि मोबाइल या लैपटॉप या तुम्हारा जो भी एंड्रॉइड मोबाइल, कीपैड मोबाइल, आईफोन मोबाइल, कोई भी अगर मोबाइल आता है अगर आप लोगों के पास में, तो उनमें जो आप लोग रिपेयर करते हो, उसको मोबाइल को खोलते हो, खोलने के बाद उसको जो है रिपेयर करते हो, तो वो जितना भी काम आता है, जितना भी आप काम करते हो, वो सारा का सारा पार्ट होता है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक का। इतनी बात समझ में आ रही है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक का। क्योंकि अगर आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक नहीं आएगी तो आप मोबाइल रिपेयरिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसी के अंदर ही सब चीजें आती हैं, आपके वोल्टेज कंपोनेंट, ठीक है, पार्ट जितने भी लगे होते हैं वो सब इसी के अंदर आते हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक के। जैसे जैसे आप लोग क्लास आगे कंटिन्यू करोगे वैसे वैसे आपको ये सब चीजें क्लियर होती जाएंगी। तो पहला पॉइंट हमारा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक, और इसमें एक पहले ही पॉइंट सिस्टम यहाँ पे दे दिया गया है कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक्स। तो क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स? हम लोग अक्सर ये बातें करते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक रात दिन चलाते, इलेक्ट्रॉनिक्स का ये सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स का वो सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत सारा सामान, ये है क्या? बात तो हम करते हैं आपके घर में, आपको कि पंखा ये भी इलेक्ट्रॉनिक है, हाँ बिल्कुल, टीवी एलसीडी ये भी इलेक्ट्रॉनिक है, मोबाइल हमारा ये भी इलेक्ट्रॉनिक है, लेकिन क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स? तो हम ये आपको बताने वाले हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि पार्ट ऑफ साइंस। क्या है ये? पार्ट ऑफ साइंस है, ठीक है, एक ऐसा पार्ट। क्योंकि अगर आपको दो चीजें समझ में आ गई, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है और इलेक्ट्रॉन क्या है, तो जो चीजें यहीं से शुरुआत हो जाती है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक की, ठीक है। और आपका जो कोर्स चलेगा वो 45 दिनों तक जो है चलेगा। तो अब यहां पे देखिए, मैंने यहां पे पूरा बताया है क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स, विज्ञान का एक भाग है जिसके अंतर्गत हम लोग, ठीक, इलेक्ट्रॉन की नियंत्रित गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि क्या है कि इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पे एक नया वर्ड आया, क्या, इलेक्ट्रॉन, एक नया वर्ड आया। विज्ञान का एक भाग है जिसके अंतर्गत हम लोग इलेक्ट्रॉन की नियंत्रित गतिविधियों का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। देखो इलेक्ट्रॉनिक्स तो समझ में आ गया, लेकिन यहाँ पे एक नया वर्ड आ गया कि भाई इलेक्ट्रॉन क्या है, इसको समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग जानते हैं, सब चीजें करते हैं, तो क्या है इलेक्ट्रॉन उसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में, तत्व का वह छोटे से छोटा भाग जिसमें उस तत्व के सभी गुण धर्म पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तत्व का मतलब यहां पे एलिमेंट है, एलिमेंट का मतलब आप कह सकते हो ठोस, द्रव, गैस, तीनों चीजें यहां पे ले सकते हो। छोटे से छोटा भाग जिसमें उस तत्व के सभी गुण और धर्म पाए जाते हैं, ठीक है। यहां पर एकदम एग्जाम्पल से समझते हैं कि छोटे से छोटा भाग, जैसे आप मान लीजिए चीनी का कण आपने देखा होगा, सुगर, एक कण, एक कण है, अगर वो कण जो है व्हाइट कलर का है, व्हाइट है, और अगर उसको टुकड़े कर दो तो भी वो व्हाइट ही रहता है, अगर आपको उसको पानी में डालोगे तो घुल जाएगा, और जो है जीभ पे रखोगे तो क्या मीठा लगेगा आपको। तो ये गुण जो है एक बड़े कण के अंदर भी है और एक छोटे के अंदर ही। तो यहां के हम लोग कह सकते हैं कि बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर चीनी का कण बनता है, और इसके बाद सिस्टम ये होता है कि छोटे छोटे कण मिलके तुम्हारे 100 ग्राम, 50 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो, 10 किलो, क्विंटल, इस तरीके से सिस्टम चलता है। तो इसमें सीधा सीधा समझिएगा, छोटे से छोटा भाग जिसमें उस तत्व के सभी गुण धर्म पाए जाते हैं क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन। यानी कि सबसे जो छोटा कण होता है वो कहलाता है इलेक्ट्रॉन। यानी कि हम जो चीजें आसपास देखते हैं वो हर चीज छोटे छोटे कण से बनी है, यानी इलेक्ट्रॉन से बनी है। आई बात इतनी समझने की नहीं आई? यानी कि हर चीज इलेक्ट्रॉन से बनी है, चाहे कोई चीज हो, चाहे अपनी यहाँ स्किन हो, चाहे ये घड़ी हो, कुछ भी हो, प्लास्टिक है, ये मार्कर है, कुछ भी है, सब छोटे छोटे कण से ही तो मिलकर बनी है, छोटे छोटे पार्ट से बनी है। अगर ये प्लास्टिक है, अगर इसको हम काट के यहां से अलग कर देंगे तो ये लकड़ी नहीं बन जाएगी, ये पूरा जो है यहां से यहां तक प्लास्टिक है, इसको अगर हम छोटा सा टुकड़ा काट देंगे तो लकड़ी नहीं बन जाएगी, यानी जो ये प्लास्टिक वो भी वहां वो भी प्लास्टिक ही रहेगी। तो कहने का मतलब यह कि छोटे से छोटे जो कण है वो कहलाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो है वो हर चीज में विद्यमान, और जितनी भी चीजें हम आसपास देखते हैं सब इलेक्ट्रॉन होते हैं।
अब इसका सिस्टम क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन जो होता है राउंड राउंड इस तरीके से घूमते रहते हैं बहुत तेजी तरीके से, ये आप देख रहे हैं छोटे छोटे कण के अंदर आपने देखा होगा। अब इलेक्ट्रॉन में कुछ चीजें ऐसी हैं कि इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग जानेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रॉन को ई से प्रदर्शित करते हैं, क्या है ई, ई से प्रदर्शित करते हैं, इस पर माइनस आवेश होता है, नेगेटिव जो है इस पर आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से हीट उत्पन्न होती है, यानी कि जहां पे इलेक्ट्रॉन बहते हैं वहां पे हीट यानी गर्मी यानी ऊर्जा उत्पन्न होती है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहते हैं, विद्युत धारा यानी वोल्टेज, समझिए यहां पे क्या कहते हैं प्रवाह को, जहां पे इलेक्ट्रॉन बहते हैं उसको हम लोग विद्युत धारा यानी वोल्टेज कहते हैं। तो अगर कोई बात करें वोल्टेज क्या है, तो वोल्टेज का जहां पे इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं प्रवाहित होते हैं उसे हम वोल्टेज कहते हैं। अब यहां पर समझिए, इस पर माइनस आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन को ई से प्रदर्शित करते हैं, बिल्कुल सही, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से हीट उत्पन्न होती है। अभी आपको थोड़ा ये डिफरेंट लग रहा है, अभी हम समझाते हैं, ई से प्रदर्शित, इस पर माइनस आवेश होता है। आप लोगों की जो मोबाइल की बैटरियां होती हैं उनको आप देखते हैं कि यार ये अभी तो 88% है, 15% है, 20% है, तो कहते हैं इसको चार्जिंग पे लगाएं, बैटरी भर लो, चार्ज कर लो, भर लो, बैटरी भरी कि नहीं भरी, खाली है फुल है, तो क्या भरता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ही, ये जो होते हैं यही तो बैटरी के अंदर आपके स्टोर होते हैं। जब आपके मोबाइल से जो बैटरी जब खाली होती है तब उसका वजन तोल के देखना कितना है, और जब मोबाइल की बैटरी भर के देखना कितना वजन आता है उसके ऊपर, तो सेम रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे जो है बहुत बहुत हल्का होता है, बहुत इस पे क्या है माइनस आवेश होता है। तो आप लोगों की जो बैटरी होती है मोबाइल की या घर के इन्वर्टर बैटरी, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ही स्टोर होते हैं और इलेक्ट्रॉन ही खर्च होते हैं, तो उसी को आप लोग कहते हो कि बैटरी चार्ज हो गई है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसके अंदर स्टोर हो रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन खत्म होने लगते हैं आप लोग यूज करते हो तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कम होते चले जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं कि बैटरी हमारी अब डिस्चार्ज हो रही है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से हीट उत्पन्न होती है, तो हीट का मतलब जहां पे, जैसे मान लो यहां पर भी स्क्रीन में इलेक्ट्रॉन है, अगर हम ऐसे से करेंगे तो हीट होगा कि नहीं होगा, हीट होने लगता है, सब लोग जानते हैं। इसके बाद जैसे कि आप मोबाइल चलाते हो, वीडियो देखते हो, तो आपने देखा होगा कि ये क्या होता है कि मोबाइल द्वारा हीट होने लगता है, होता है कि नहीं होता, सब लोग जानते हो हीट होता है। तो क्या है कि यहाँ पे जो आप लोग मोबाइल जब चला रहे होते, यूज कर रहे होते लैपटॉप, ठीक है मोबाइल, तो उसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन की बैटरी से पूरे सर्किट में घूमते हैं इलेक्ट्रॉन, तो क्या जहां पर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है वहां क्या कहते हैं हीट उत्पन्न होती है, इसीलिए मोबाइल तुम्हारा हीट करता है नॉर्मली, ओके। और इलेक्ट्रॉन को प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं। इतनी बात समझ में आई कि अगर आप इलेक्ट्रॉन जहां पे मूवमेंट होगी उसे हम लोग क्या कहते हैं विद्युत धारा, विद्युत धारा को हम लोग वोल्टेज भी कहते हैं। तो यहां पे चार्ज से थोड़ा समझिएगा, पे हम आपको ओके, विद्युत धारा को वी वोल्टेज कहते हैं और वोल्टेज को वी से प्रदर्शित करते हैं, सबको पता है, ठीक। इसके बाद यहां पर ये प्लस है यानी नाभिक है, और इसके चारों तरफ जो है ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो अगर इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस पे मूव हो, ये वाला इस पे मूव हो, ये वाला इस पे, तो प्रवाह सिस्टम बन जाता है तुम्हारा वोल्टेज यानी विद्युत धारा बन जाती है, ठीक है। अब इसको बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, जो लाइट बनती है हमारी जो है बांध बने होते हैं वहां से एयर तो चलती है, पवन जो है पवन चक्की जिसे कहते हैं ऊपर, वहां से भी जो है भाई लाइट बनती है। तो उसमें क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन को जब मूव किया जाता है दूसरे पे और दूसरा तीसरे पे, तीसरा चौथे पे, इस तरीके से जब ये मूव होने लगते हैं तो क्या होता है वो कहलाती है आपकी विद्युत धारा, और विद्युत धारा को हम लोग क्या कहते हैं वोल्टेज कहते हैं, और आप लोग जानते हो वोल्टेज को हम लोग वी से प्रदर्शित करते हैं वी। ये इस तरीके से कुछ राउंड राउंड सिस्टम इसका चलता है, इलेक्ट्रॉन हमेशा मूव करते हैं। अब यहां पर कुछ चीजें आप समझिए, पहले यहां पे इलेक्ट्रॉन के बहाव की स्पीड को हम क्या कहते हैं एम्पियर कहते हैं, और एम्पियर को एएम से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि हर चीज यहां पे इलेक्ट्रॉन से के बारे में ही है और इलेक्ट्रॉन से ही सब कुछ है भाई। देखो एक तो स्पीड, जैसे आप जैसे बाइक चलाते हो तो बाइक की नॉर्मली स्पीड है, बाइक चला रहे हो तो कोई फिक्स नहीं स्पीड है, आप कितनी स्पीड से चला रहे हो वो कहलाती है एम्पियर। जैसे लाइट जो है वोल्टेज, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, जा रहे हैं गति में, लेकिन कितनी स्पीड से बह रहे हैं वो कहलाता है आपका एम्पियर, कितनी स्पीड, और उसको हम लोग एएम यानी एएम से प्रदर्शित करते हैं, और आपके मल्टीमीटर में भी ये लिखा होता है एएम। स्टेप नंबर टू पे, एक सेकेंड में मूव हुए इलेक्ट्रॉन, बहे हुए इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं हर्ट्ज कहते हैं, क्या कहते हैं हर्ट्ज कहते हैं। एक सेकेंड, अब स्पीड तो है लेकिन एक सेकेंड में कितने
कितनी दूरी या कितने इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं, तो उसे कहते हैं हम लोग हर्ट्ज। यानी कि आप समझिएगा, जैसे आपका फैन है, फैन है ये लगा है आपके घर में, लगे होते हैं फैन, तो क्या है वहां से ट्रांसफार्मर से लाइट आपके यहाँ पे आ रही है, भरी है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसमें क्या विद्युत नहीं करंट चल रहा है, वोल्टेज कहते हो, बिजली कहते हो, करंट कहते हो, कई सारे नाम है उनके, ठीक है। तो क्या है कि करंट आ रहा है, जैसे ही आपने बटन ऑन किया तैसे इलेक्ट्रॉन क्या फैन पे जाने लगे, स्पीड से गए और फैन घूमने लगा आपका। तो जो स्पीड से जो जा रहे हैं स्विच से लेके बोर्ड वहां तक पंखे तक स्पीड जा रहे हैं, वो कहलाएगा एम्पियर। और एक सेकेंड में कितने इस यहां से लेके वहां तक कितने इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं फैन में, तो वो कहलाता है तुम्हारा हर्ट्ज। और अगर आप कोई चार्जर वगैरह अगर आप देखेंगे, कोई भी चार्जर, जैसे मोबाइल का ले लो, लैपटॉप का ले लो, और भी बहुत सारे चार्जर मार्केट में आते हैं, तुम्हारे सेटअप बॉक्स का चार्जर, उन पे अगर आप देखोगे तो उनमें सब चीजें आपको लिखी रहती हैं कि इतने वोल्टेज का चार्जर है, इतने इसमें जो है इसकी जो है हर्ट्ज कितनी है और इतने एम्पियर का है, ये आपको देखना रहेगा। और कई बार हम लोग गलतियां क्या करते हैं कि चार्जर से आपका खराब हो गया तो आप कोई भी चार्जर जब जो है यूज करने लगते हो, लेकिन कभी आपको ये नहीं उसमें आप देखते हो कि उसमें कितना वोल्टेज आउटपुट है, कितना इनपुट है, और उसकी हर्ट्ज क्या और उसमें एम्पियर क्या है। और एम्पियर अगर डिफरेंट होते हैं अगर अलग अलग मोबाइल के, तो सिस्टम ये आता है कि आपके मोबाइल की जो है बैटरी बैकअप कम हो जाता है, मोबाइल में कुछ प्रॉब्लमें आने लगती हैं, चार्ज नहीं होता सही से, ये सारी चीजें आपको समझना रहेगा, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलते हैं आगे, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वोल्टेज कि कितने टाइप के वोल्टेज होते हैं। देखिए अगर वोल्टेज की बात करें तो ये आपको आपको जो आप लोगों को पता है, सबको पता रहता है एसी और डीसी, ठीक है, यही चलाते हो आज एसी डीसी, ठीक है। और आपके सिलेबस में भी है, आपकी जो मोबाइल रिपेयरिंग में है, इसमें आपको दो ही करंट आपको सीखने को मिलेंगे। अब आपको क्या लगता है और भी करंट होते हैं, एक होता है माइनस करंट होता है और एक बूस्ट करंट, यानी कि चार तरीके के करंट होते हैं, लेकिन आपका जो काम है वो सिर्फ दो ही करंट पे है, एक तो एसी वोल्ट है और दूसरा है डीसी वोल्टेज। यहाँ पे मिट गया, एसी वोल्टेज को हम लोग क्या कहते हैं अल्टरनेट कहते हैं, और डीसी को कहते हैं हम लोग डायरेक्ट करंट। लो हम इससे बना देते हैं डीसी, डीसी वोल्टेज वो कहते हैं डायरेक्ट। मोबाइल जो आप लोग यूज करते हैं, मोबाइल हमेशा डीसी वोल्ट से चलता है, चाहे वो आपका एंड्रॉयड हो, चाहे कीपैड हो, चाहे आईफोन हो, चाहे टैबलेट हो, कोई भी हो भैया डीसी वोल्ट से ही चलता है। अब इनमें दोनों में हम लोग अंतर समझते हैं कि इनमें क्या अंतर है। एसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज जो होता है वो आपके घरों में जो लाइट जो आती है वो तुम्हारा कहलाता है एसी वोल्टेज। अल्टरनेट, अल्टरनेट क्यों कहते हैं, नहीं कहते मैच नहीं कर रहा है, अल्टरनेट क्यों, क्योंकि कभी उसका वोल्टेज 250 होता है, कभी 200, कभी 150, कभी 350, और कब लाइट चली जाए पता नहीं रहता है, इसलिए उसको अल्टरनेट कहते हैं। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि एसी वोल्टेज की जो सिस्टम है रनिंग का वो कुछ इस तरीके से चलता है, ऐसे इस तरीके से, तो ये प्लस होता है और ये वाला माइनस होता है, ये सिस्टम इसके अंदर चलता रहता है एसी और डीसी के अंदर। और डीसी में क्या होता है, डीसी जो चलता है वो डायरेक्ट चलता है। अगर आपके मोबाइल की बैटरी है तो आपने देखा होगा कि बैटरी जो है 3%, 4%, 5% धीरे धीरे चार्ज होती है, जब डाउन होती है तो धीरे धीरे ही डाउन होती है, ऐसा नहीं कि एकदम फुल हो गई, चार्जर लगाया आपने और एकदम तुमने देखा तुरंत ही वोल्टेज कम हो गया, बैटरी लो हो गई, ऐसा नहीं होता। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम तो वो बैटरी खराब कहलाती है आपकी। तो एसी वोल्टेज और डीसी वोल्टेज इनके बारे में हम लोग जानेंगे। और एसी वोल्टेज से तुम्हारे जो फैन है, इन्वर्टर है, कूलर है, एसी यही सब चलते हैं। और डीसी वोल्टेज जो आप लोग घरों में बैटरा जिसके अंदर स्टोर करते हो, भर लेते, भर के रख लेते हो, मोबाइल में क्या होता है कि डीसी हम लोग क्या करते हैं बैटरी के अंदर स्टोर कर लेते हैं, वही इलेक्ट्रॉन मैंने बताया ना, इलेक्ट्रॉनों को इकट्ठा कर लेते हो और फिर हमारा मोबाइल चलता रहता है। तो एसी वोल्टेज का ये काम है कि आप एसी से ही बनती है डीसी, जब तक एसी नहीं आएगी तो डीसी कहां से बनेगी। तो एसी वोल्ट अल्टरनेट कहलाता है और डीसी वोल्ट डायरेक्ट कहलाता है, डायरेक्ट करंट। इसमें क्या होता है, ये डायरेक्ट चलता है और एसी से खतरनाक डीसी होता है, क्योंकि अगर एसी करंट को आप पकड़ोगे तो ऑटोमेटिक छूट जाओ करंट से ऐसे करके। लेकिन डीसी क्या है, डीसी वोल्टेज का अगर वायर पकड़ लोगे आप तो चिपके ही रहोगे, हाथ जला देगा पूरा। लेकिन आप कहोगे तो ऐसा तो हमारे साथ होता ही नहीं है, हम तो खूब जो है बैटरी जो है जीप में लगाते हैं, मल्टीमीटर का काम करती है हमारी जीप, ऐसा कहते हो ना आप लोग, तो ऐसा नहीं है। हमारे शरीर की जो लिमिट है वो 1 वोल्ट से लेके 80 वोल्ट तक है,
कितनी है, 1 वोल्ट से लेकर 80 वोल्ट तक है। यानी कि इधर एक वोल्ट से लेकर 80 वोल्ट तक अगर हम हाथ से अगर पकड़ लेते हैं डीसी वोल्टेज, तो हमारा हाथ जो है नहीं जलेगा। और उसके ऊपर अगर आप पकड़ते हो तो आपका हाथ जल जाएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। क्योंकि डायरेक्ट में आपको बचाने वाला कोई नहीं है। और एसी में क्या होता है, पल्स चलती है, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि एसी जो है इस तरीके से चलती है ऐसे। तो ये प्लस है और ये वाला माइनस है। प्लस पे आप चिपक गए, माइनस पे आप छूट गए ऑटोमेटिक। तभी करंट आपको लगता है वायर ऐसा कि अरे करंट लग रहा है, बड़ा मजा आ रहा है, छोड़ देंगे, ऐसा होता नहीं। आपको खुद ही बार बार खटाक से ऐसे होता है, पता नहीं कब करंट लग गया। समझ रहे हैं पहले बात की, क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी जो होती है, जो हर्ट्ज की बात कर रहे थे, 50 से लेके जो है 60 हर्ट्ज की होती है। कितनी होती है, 60 हर्ट्ज। अब 60 हर्ट्ज यानी कि 1 सेकंड में प्लस माइनस इस तरीके से 60 बार होता है ये, प्लस माइनस इस तरीके से प्लस माइनस। तो यानी प्लस पे आप चिपक गए, माइनस पे आप छूट गए, ये प्रोसेस चलता है तुम्हारा एसी के अंदर। और डीसी में क्या होता है, डीसी समझिए, डीसी में क्या है कि डीसी में डायरेक्ट चलता है, ये चला गया प्लस और ये तुम्हारा माइनस हो गया जाके। तो प्लस माइनस पकड़ो कोई दिक्कत नहीं, प्लस पकड़ लिया चिपके रहोगे आप। तो एसी से खतरनाक तुम्हारा डीसी वोल्टेज होता है। इतनी बात समझ में आई। और मोबाइल जो तुम्हारा है वो डीसी वोल्ट से चलता है, लैपटॉप तुम्हारा है वो डीसी वोल्ट से चलता है, ठीक है। ये ध्यान रखने वाली बातें हैं आपको, है कि एसी वोल्टेज नहीं आता, तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। ओके, अब हम यहां पे बात करेंगे वोल्टेज की, ऑल मोबाइल वोल्टेज। अब यहां पे हम लोग बात करेंगे वोल्टेज की, तो मोबाइल का चार्जर का वोल्टेज 5 से लेकर 6 वोल्ट डीसी आता है। मोबाइल की बैटरी का फुल चार्ज है 4.2 वोल्ट डीसी, ठीक है। अगर बैटरी लो चार्ज है तो 3.70 से कम होता है, और अगर मोबाइल की बैटरी डेड है तो 0.0 है। यहां पे मैंने कुछ बैटरी चार्जर वगैरह लगाए हैं, यहां पे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। तो सिस्टम क्या है, ये मोबाइल चार्जर की बात कर रहे हैं 5 वोल्ट से 6 वोल्ट। अब ऐसा क्यों है, ये कॉमन है। आप चाहे एंड्रॉयड का फोन लो, चाहे आप कीपैड का लो, चाहे आप आईफोन लो, चाहे टैबलेट लो, चार्जर जो है उसका यही वोल्टेज निकालेगा 5 वोल्ट से लेके 6 वोल्ट। लेकिन एम्पियर अलग अलग होता है, किसी में 1 एम्पियर होता है, किसी में 1.5 एम्पियर, किसी में 2 एम्पियर, किसी अब तो चार्ज 5-5 एम्पियर वाले चार्जर आने लगे हैं। तो वोल्टेज क्या है, 5 वोल्टेज से 6 वोल्ट, और एम्पियर 5 एम्पियर यानी स्पीड, करंट को आने की स्पीड, इसलिए तो आपका मोबाइल जल्दी चार्ज होता है स्पीड से जब इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो ये मोबाइल का जो चार्जर है वो किसी की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एक कंपनी, कोई भी कंपनी हो, लावा, वीवो, ओप्पो, कोई भी कंपनी का, चाहे 5 एम्पियर का चार्जर हो, चाहे 10 एम्पियर। लेकिन अगर वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज आपको यही मिलेंगे 5 से 6 वोल्ट डीसी। बैटरी बात करते हैं फुल चार्ज 4.2 वोल्ट डीसी। अब वो चाहे एप्पल में लगी हो, चाहे नॉर्मल बैटरी हो मोबाइल की, चाहे किसी एंड्रॉयड में लगी हो, चाहे इनबिल्ट हो, चाहे वो 4000 mAh की हो, चाहे वो 5000 mAh की हो, चाहे वो 1000 mAh की हो, बात समझ रहे हो। पहले आपके तो 4500 mAh की बैटरी है, चाहे कितनी बड़ी बैटरी मोबाइल के अंदर लगी हो, चाहे कितनी mAh की बैटरी लगी हो, अगर उसकी अगर फुल चार्ज है तो वो 4.20 वोल्टेज आपको शो होगा, अगर आप उसको चेक करोगे तो। ये रीडिंग आपको पता होनी चाहिए। अगर हम बात करें लो बैटरी, बैटरी कोई भी हो, अगर बैटरी लो है तो 3.70 वोल्ट से कम अगर है तो बैटरी आपको लो यानी 1% होगी या 2% होगी या बिल्कुल और भी कम होगी, जाके कि ऑन करोगे मोबाइल ऑफ हो जाएगा, यानी कि 3.7 वोल्ट से जो है कम वोल्टेज पे आपका सिस्टम रहेगा कि वो बैटरी लो है। डेड बैटरी, डेड बैटरी का मतलब वो बैटरी बिल्कुल माइनस में चली गई है, उस पर भाई जीरो, कुछ भी आप मल्टीमीटर पे चेक करो कुछ भी नहीं शो होगा जाके। तो ये है बैटरी को चेक करने के लिए, आप मल्टीमीटर का यूज करें, जीप का यूज मत करें। जीप आपके जो है खाने के लिए होती है, आप आइसक्रीम वगैरह खाइए और चॉकलेट वगैरह खाइए, मिर्चा भी खाइए, अच्छा अच्छा बोलिए जब मीठा मीठा खाएंगे आप लोग। लेकिन सिस्टम क्या है कि इस पे मत लगाइएगा जीप पे चार्जर, समस्या का किसी में ज्यादा करंट आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, अगर वो खराब हो गई तो क्या होगा, आपके जीप का स्वाद खराब हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं जीप को मल्टीमीटर मत बनाइए, जो चीजें प्रॉपर है तरीके से है, उस तरीके से आप लोग उस चीज को काम करिएगा। और ये जो रीडिंग हम बता रहे हैं इनको नोट भी करते जाइए। चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर मोबाइल, हम बात करते हैं मोबाइल वोल्टेज टेस्टिंग की, तो कैसे करेंगे। ये तुम्हारा डिजिटल मल्टीमीटर है, 120 रुपए 150 रुपए का मिलता है डिजिटल मल्टीमीटर है, इसको 20 वोल्ट पे सेट करूं, यहां पे वी लिखा है डीसी का, तो यहां पे ये देख लीजिएगा खूब मल्टीमीटर मैच करा लीजिए, यहां पे 20 लिखा है और ये डीसी का सिंबल बना वी,
तो यहाँ पे हम सेट करेंगे 20 वोल्ट में मल्टीमीटर को। ये जो इसके जो तार होते हैं रेड और ब्लैक, काले और लाल, इनको कहते हैं प्रॉब। क्या कहते हैं? प्रॉब। आगे हम जब वीडियो में या आप क्लास में आपको बताएंगे कि प्रॉब, तो प्रॉब का मतलब ये तार। ये डिजिटल मल्टीमीटर है, डिजिट में यहाँ पे एक्यूरेट फिक्स वैल्यू दिखाई देती है, और कुछ लोग जो है वो एनालॉग मल्टीमीटर यूज करते हैं जो कि होता है टीवी रेडियो वालों पे। ठीक है, मेरे यहाँ भी एक स्टूडेंट आया था, वो अपना एनालॉग वाला मल्टीमीटर ले आया था। हमने कहा भाई डिजिटल का जमाना है, डिजिटल में बोला हमको वही अच्छा लगता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 20 पे सेट कर लेना है। ये पॉइंट देखो ध्यान से रखिए ना, ये वाला कर दो, सेट वाला आपको ये वाला करना है। सेट करेंगे 20 वोल्ट पे, बैटरी रखी तुम्हारी ये, ठीक है, और चेक करोगे यहां से, ये इस पे लगाओगे, ये इस पे लगाओगे, तो यहां पे वोल्टेज शो होगा, कितना वोल्टेज है बैटरी, कितनी चार्ज है। तो यहां मैंने लिखा डिजिटल मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे जो है डीसी पर सेट करके चेक करते हैं बैटरी हो या चार्जर। हाँ, अगर हमें वोल्टेज चेक करना है तो बैटरी हो या चार्जर हो या मोबाइल फोन का जैक हो। अगर हमें डीसी वोल्ट की टेस्टिंग करनी है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट कि आपको जितने भी मोबाइल की टेस्टिंग करनी है, आईफोन एंड्रॉयड कीपैड जितने भी हैं, आपको इस 20 वोल्ट का ही काम है। यानी कि आपको 20 वोल्ट पे ही सब चीजें आपको सेट करके चेक करनी रहेंगी, और इसी को कहते हैं हम लोग हॉट टेस्टिंग। जहां पर हम मल्टीमीटर से चेक करते हैं वोल्टेज, वो कहलाती है आपकी हॉट टेस्टिंग। ठीक है, अगर हम एसी की बात करें, अगर एसी वोल्ट चेक करना कि तुम्हारे जो घर में जो आते हैं तो उसमें तो आप जीप नहीं लगाते हो, बोर्ड में जाके कितना करंट आ रहा है, आता है नहीं होता, बताइए आप, इसमें तो आप नहीं लगाते हैं करंट, इसमें कितना करंट आ रहा है, पता है कि 250 वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, जीप को स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, उसको फिर जो बल्ब लगा के चेक कर दो, करंट आ रहा नहीं आ रहा, तो आप मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हो। कई बार समस्याएं ऐसी आती हैं कि आप ये समझिए कि आपने चार्जर तो लगा दिया, मोबाइल चार्ज ही नहीं हो रहा है। ठीक है, आपने मोबाइल खोला, चार्जिंग जैक बदला और कुछ चेक कर रहे हो, पता चला कि मेन स्विच में ही वो सप्लाई नहीं आ रही है यार, मेन वाले पे नहीं आ रही है, तो आपको मल्टीमीटर को, ये एसी का दिया गया सिस्टम, तो 1 वोल्ट से लेके 200 वोल्ट तक हम लोग चेक कर सकते हैं, 200 ऊपर 750 दिया गया है, तो यानी कि आपको मल्टीमीटर 750 सेट करना है। क्यों करना है? क्योंकि अपने आगे जो वोल्टेज है वो कितना है, 240 वोल्टेज है, तो 200 से ऊपर हुआ ना जाके, तो हम लोग 700 पे सेट करेंगे, और इसके बाद जो तार है उसको हम बोर्ड पे लगा के चेक कर लेंगे, यहां पर उसकी रीडिंग शो होगी कितना वोल्टेज आ रहा है। इसको मत लगाइए जीप से, ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो मल्टीमीटर फिर चेक करने लायक नहीं रहोगे आप लोग। तो ये सब चीजें हमने ये पहला पार्ट था, ठीक है, पहली क्लास थी, तो हम लोगों ने इतनी सारी चीजें यहाँ पे सीखी हैं, और आप लोग भी 100% प्रैक्टिकल इसको जो है इंप्लीमेंट कर सकते हो टेस्टिंग करने के लिए। ओके, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।